हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले अग्निवीर एयरफोर्स वाई ग्रुप के रगा का अंतिम मॉक टेस्ट। जी हाँ, अब ये जो अंतिम मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल भी नए पैटर्न पर आधारित है। इसमें से सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। बिल्कुल भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट टारगेट है अपना 30 out of 30 मार्क्स। ठीक है, तो चलो फिर टारगेट 30 out of 30 करोगे तभी तो 25+ सही कर पाओगे ना। 25 ही टारगेट करके जाओगे तो 20 सही करोगे, काम गड़बड़ है अपना। तो चलो फिर इसको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लोग हैं अगर आप आसाम राइफल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक कंप्लीट स्टडी गाइड आपके लिए लॉन्च की गई है। और इस बुक का जो है ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इस स्टडी गाइड के अंदर आपको इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ सभी सब्जेक्ट्स के जो है कंप्लीट स्टडी गाइड बना दिए गए हैं। अब स्टडी गाइड क्या होता है, जस्ट लाइक कि आपको पहले चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, जैसा कि इसके अंदर है हिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ा दिया गया है। और पढ़ाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, बिल्कुल भी इसके आंसर सॉल्यूशन सबके साथ। तो बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे आपको स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस भी हो करने का मौका मिल जाता है। तो इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो जाके बाई कर लेना वहां से। ठीक है, बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। अभी चलो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ था, परुसनी नदी के किनारे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया, तो किसी राष्ट्रपति के मतलब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लगाया जा सकता है, बट ये किसी किन कंडीशन बढ़ाया भी जा सकता है 1 साल के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए लगता है, फिर बढ़ाया जा सकता है इसको। आगे देखो, संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जा सकता है, मनाया जाता है। तो जो संगाई त्यौहार है ये अपना मणिपुर का, और जितने भी ये सभी चीजें ना ईस्टर्न स्टेट्स रिलेटेड देख लेना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल डीजल व जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर है। बिल्कुल भी, तो वो कुछ लोग के दिमाग में नेपाल चल रहा होगा, जो कि गलत आंसर है, नेपाल नहीं है। मॉरिशस जो है वो बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल जेट इंजन इंडिया से लेता है। ठीक है, आगे देखो, आगे दिल्ली के लोकायुक्त के रूप में किसे शपथ ली है, किसने शपथ ली है। ये रिसेंटली आपको मई के टाइम पे इन्होंने, मई या फिर मार्च के टाइम पे, याद नहीं आ रहा डेट एग्जैक्टली, ये नए लोकायुक्त बने हुए हैं। ठीक है, जिनका नाम है न्यायमूर्ति हरिश्चंद्र, इनका नाम याद रखना, न्यायमूर्ति हरिश्चंद्र। आगे, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो झंडा दिवस है 15 अगस्त, नहीं पूछा जा रहा आपसे, स्वतंत्रता दिवस नहीं। ठीक है, तो 7 दिसंबर करना इसका आंसर, झंडा दिवस 7 दिसंबर। आगे, निम्नलिखित में से किसने लोधी वंश की नींव रखी थी। तो वो था एक बकलोल लोधी, मतलब बहलोल लोधी। ठीक है, वो बहलोल लोधी था जो कि अफगान से आया हुआ था, अफगानी था ये, तो इसी ने क्या किया था, लोधी वंश की स्थापना की थी बकलोलवा ने। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, 2 वृत्त की त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। फिर ठीक है, आगे कह रहा है कि जब ठीक इतनी सेंटीमीटर है, तो यदि किसी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिए गए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, तो कह रहा है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जस्ट लाइक कह रहा, देखो यहाँ से 2 वृत्त है, ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है सर 20 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 15। अब इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकाल दो, जोड़ दो, अब इस बड़े वाले एरिया के बराबर हो जाएगा इन दोनों का एरिया। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया निकाल लोगे तो ये बड़ा रेडियस होगा, तो फिर इसका रेडियस निकालना है। कितना सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अब पहले वाले सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का आर आर का वैल्यू अलग अलग है ना, ध्यान देना। तो पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस, मान लो इसका हम लोग ना अलग आर रख लेते हैं, ये आर स्क्वायर, तो पाई को हमने अलग ले लिया, तो 20 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई 400 प्लस में 225, तो हो जाएगा पाई 625 हो गया। ठीक है, तो ये जो है गाइज एरिया जो होगा ये बड़े वृत्त का एरिया भी हो जाएगा, बड़े वृत्त का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई 625। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 625 है, पाई पाई कट गया सर बड़े वृत्त के लिए। अब r बराबर अंडर रूट 625 हो गया सर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सब लिखना थोड़ी था, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया, हमारे दिमाग में नहीं चलता, फुरपाती हमें भाई, इतना तो सोच ही सकते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 425 जोड़ेंगे, 400 और 225 जोड़ेंगे तो 625, और 625 को रूट के अंदर से निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसमें से 3 लाइनें 4 लाइनें और हम हटा सकते थे, अगर हमारे दिमाग के अंदर बहुत ही फुरपाती चल रहा होता है तो। अगर बहुत ज्यादा शांत दिमाग के हो तो फिर ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ज्यादा शॉर्टकट वही यूज करता है बहुत ज्यादा फुरपाती होता है। ठीक है, तो यही चीज है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 900 रुपए में खरीदता है,
और बी उसे बी को 25% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। बी इसे सी को बेच देता है, कितने पे नहीं दे रखा, कितने प्रॉफिट या लॉस का नहीं पता, बी कितने पे दे रखा है। और सी क्या करता है, जो इसे 1350 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, मतलब बी ने जो सी बी को जो बी ने क्या किया, सी को बेच दिया। अब सी ने इसे 10% की मतलब लॉस पे क्या कर देता है, बेच देता है, मतलब 1350 रुपये में। तो बी ने कितना लाभ प्रतिशत मतलब कितना लाभ कमाया, ये प्रतिशत में बताओ मुझे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, ए ने कितने में खरीदा था, 900 में। अब इसी 900 को मतलब हमने 900 को मतलब तीन पाँच करते करते इसी के ऊपर गेम खेलते खेलते हमने 1350 तक का इसका वैल्यूएशन बना दिया था, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, ए ने 900 में खरीदा, इस पे 25% का प्रॉफिट कमाया। तो 25% मतलब 100 + 25/100, तो 125/100 हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में पढ़ाया था ना कैसे कैसे करते हैं, तो इसको 25% प्रॉफिट मतलब 100 में 25 जोड़ के बटा 100 कर दो, ठीक है। अब बी ने सी को बेचा, तो हमको पता नहीं है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, लेकिन लास्ट में पता चल रहा है बी ने कितना परसेंट लाभ कमाया। तो लास्ट में बी ने मतलब पता चल रहा है कि प्रॉफिट ही कमाया, तो मान लो एक्स परसेंट, तो 100 + x/100 कर लो, एक्स परसेंट प्रॉफिट पे इसको बेचा तो, ठीक है। फिर सी ने 10% लॉस पे बेच दिया, तो 100 में से 10 माइनस कर लो 90 बराबर। अब इसका फाइनली वैल्यू कितना हो गया था, 1350। तो ये 25 और 100 को मतलब 125 और 100 को डिवाइड दे दो 25 से, 25 को डिवाइड दोगे 125 से तो 5 बार में कट जाएगा, और 100 से दो तो 25 × 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 900 का 00 कटा लो, यहाँ पे जो 100 है ना, यहाँ पे जो 100 है उससे हमने 00 कटा लिया। अब ये 9 का 0 ना, ये 1335 का एक 0 है उससे कटा लो, क्लियर। अब आगे देख लो, आगे ये जो 5 है ना, 5 बच रहा है यहाँ पे, 5 से हम 135 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 और 5 × 7 = 35। अब 9 से कटा लो 37 को, तो 3 बार में कट जाएगा 37। अब ये क्या कर लोगे, ये 3 को डिवाइड कर दो 9 से, तो फिर ये 3 बार में कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा गाइज। अब देखो ये जो 3 है ऊपर में 100 + 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 300 + x/100 मतलब बटा में 400 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो बटा में 100 नहीं, बटा में 400, बिकॉज यहाँ पे जो 400 है दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 4, तो वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो ये 3x हो जाएगा ना यहाँ पे गाइज, ये 3 जो है, रुक जाओ मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, बढ़िया समझा रहा हूँ। ये जो 3 है 100 के साथ भी और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300+ में 3x हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 400 - 300 बराबर क्या हो जाएगा, 3x = 100। अब एक्स को 100 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 33.33%। तो क्या कह रहा है, निकटतम पूर्णांक बताओ, डेसिमल में नहीं बताना अपने को, तो फिर क्या कह रहा है ना, नियरेस्ट इंटीजर बताना, तो नियरेस्ट इंटीजर कहने का मतलब 33%, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है, मतलब मॉडरेट सवाल है, जो कि सारे बच्चे कर सकते थे, ठीक है, आराम से बन जाता आपका। आगे देखो, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही होती हैं। वह समय ज्ञात कीजिए सेकंड में, जिसमें मतलब वो सेकंड में टाइम बताना है, घंटा मिनट में नहीं बताना का, जिसमें वे एक दूसरे को पार करेंगे। तो गाइस यहाँ पे बताओ, जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही होती है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम। अभी स्पीड जब भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट में होती तो स्पीड जोड़ देते हम लोग, और डिस्टेंस क्या होता है, दोनों ट्रेनों की लंबाई, ठीक है, 140, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, 140 + 160 डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो टाइम, देखो दे रहा यहाँ पे मीटर पर, मीटर में दे रखा अपने को यहाँ पे लंबाई, और टाइम दे रखा है इस किलोमीटर प्रति घंटा में, स्पीड दे रखा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, और अपने टाइम को टी लिख लो, ठीक है। चलो अब देखो इसको जोड़ लो तो 300 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 100 × 5/18, तो ये 00 00 कट गया, ठीक है, और इंटू टाइम भी रह गया था ना इधर, तो मैं नीचे देखो 118 लिख दिया मैंने, थोड़ा सा पेन चलता है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 से ना, ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड ले जाके, ठीक है, तो ये 54 हो जाएगा, और ये 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे उसको तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देख लो ये कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा मतलब 10.8 हो जाएगा मीटर, ये सेकंड में हो जाएगा ना अपने को, बस टाइम पूछ रहा है, 10.8, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख लो, भाग देने तो आएगा ही ना 54 को 5 से, तो इसमें तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, एक दीवार से एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है, तो सीढ़ी की दीवार और पाद के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है।
अब देखो क्या क्या है ना, ये एक दीवार है, ये जमीन है, सीढ़ी उसके ऊपर तिरछाई बनता है ना हमारे घर में। अब खड़े सीढ़ी थोड़ी बना के खड़े श्री महाराज की तरह चढ़ने लगोगे, ठीक है, फिर ग्रेविटी के रूल का तो उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज है, तो हम लोग तिरछा सीढ़ी इसीलिए बनाते हैं कि हम लोग आसानी से चढ़ पाए उस पर, ठीक है। अब क्या क्या रहा, ये जमीन के साथ कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस सीढ़ी की लेंथ है 12 मीटर, ठीक है। तो ये जो है ए बी सी ट्राइंगल जो बन रहा है अपने को, तो ये बी सी का वैल्यू बताओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बी सी का वैल्यू बताना है, तो कौन सा यूज करोगे, तो यहाँ पे अपने को कर्ण और आधार के बीच जब रिलेशन निकालना होता है तो किसको लेते हैं हम लोग, कॉस को ले लेंगे, क्लियर है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। मैं आपको जस्ट याद दिलवा रहा हूँ जो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था। बेस बटा में क्या होता है, मतलब बी बाई एच लिखो ना, इतना क्या लिखना अपने को, पूरा पूरा बी बाई एच मैंने पढ़ा दिया था आपको, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस में होता है, ठीक है। तो अपने को देखो कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वैल्यू अपने को पता नहीं है, बीसी लिख दो। अब देखो बीसी का मतलब गाली वाली मत समझना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब हाइपोटेनस में क्या है, 12 है, कर्ण 45 का वैल्यू अंडर रूट टू होता है, 1/√2 हो जाता है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो बीसी बराबर हो जाएगा 12/√2। अब देखो मैंने पढ़ाया था नीचे अपने को √2 रखना नहीं चाहिए, गलत होता है मैथ के नियम से, तो क्या कैसे हटाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों से √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12√2। अब ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, तो ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6√2 आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है जो भी है। तो 6√2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो कर दिया ना रॉक आपने बहुत ही आसानी से, कुछ भी नहीं था ना इस सवाल में, कुछ भी नहीं था, बहुत ही मजेदार सा सवाल था। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ए बी से 30% अधिक कार्य कुशल है और किसी कार्य को अकेले 23 दिन में कर सकता है, तो कितने दिनों की संख्या, ये सॉरी मैंने क्या पढ़ दिया, ये दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी 7 काम को पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में मतलब काम को कंप्लीट कर लेंगे। देखो अभी जो चीज है गाइस, मैंने इसका बहुत ही बेस्ट तरीका बताया था, पता है क्या, 2 लाइन में सवाल बन जाता है इसे इसे, मतलब आपके दिमाग में जो धुरंधर आपका तरीका आ रहा होगा ना कि फटफट फटफट कैलकुलेशन कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ए कितना फास्ट है बी से बताओ, 30% ना, तो 100 + 30 = 130, और बी को मान लो 100, तो इनका आ गया 13:10 आ गया। तो ए का दे रहा 23 दिन में काम कर लेता है, और इसका मतलब कितने यूनिट एनर्जी लेके, 13 मतलब यही है ना उसकी कैपेसिटी है ना, 13 यूनिट कैपेसिटी के साथ भाई साहब ये 23 दिन में काम कर रहे हैं, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का कैपेसिटी जोड़ दोगे 13 + 10, तो कितना होगा 23 हो जाएगा। तो 23 यूनिट वाले कैपेसिटी के साथ मान लो 1 दिन में करेंगे, तो ये 23 23 कट जाएगा, 1 = 13 हो जाएगा, दोनों मिल के 1 दिन मतलब 13 दिन के अंदर निपटा देंगे काम को, कितना सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बाकी आप जो धुरंधर वाला तरीका जानते हो ना उससे भी बना के देख लेना, थोड़ा सा बड़ा बनेगा बट ऐसे ही बनेगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, सॉरी टाइम एंड वर्क के अंदर पूरा ये चीज पढ़ा रखा था, ठीक है। चलो 13th क्वेश्चन देखते हैं, तो चलो औसत निकालो बैठ के, कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होता, लेकिन ये सबसे ज्यादा टाइम खाएगा आपका, क्यों, क्योंकि बैठ के जोड़ घटाव कर रहे होंगे, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ोगे क्या करेंगे, 253 + 124 + 255 करो, फिर 534 को जोड़ दो, इनका एवरेज निकालना है ना बच्चों, तो 836 + 375 + 101 + 443 / 769, तो कितने हैं गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, तो 9 से डिवाइड कर दो। अब फटर फटर मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर से मैं तो काउंट कर लूँगा, जोड़ लूँगा इनको, मुझे तो कोई टेंशन है नहीं, एग्जाम देना नहीं है। अब 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा 409, तो इनका एवरेज आ गया 409। अब अपना बता लो कमेंट करके कितना आ रहा है, 409 आ रहा है ना, बहुत अच्छे। आगे देखो 14th नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13, 15 और 17 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है, शेषफल 5 क्यों बचता है, अब वो तो वो समझे मैं क्या जानता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में पढ़ाया था ना रिसेंटली 2 दिन पहले, क्या करोगे 13, 15 और 17 का एलसीएम निकालोगे, तो क्या होगा सिंपल, ये बबुआ एक ही बार में मतलब किसी से डिवाइड होंगे नहीं, तो 13 को 15 को और 17 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम यही होगा। अब जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा वो होगा 33 15 हो जाएगा। अब ये 33 15 कम्प्लीटली 13, 15 और 17 से डिवाइड हो जाएंगे, तो शेषफल 5 बचाने हैं अपने को, तो 5 ऐड कर दो, 33 20 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। 14th हो गया, 15th देखो,
अब क्या है रहना कि बताओ निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब इसमें जो कह रहे ना कि इस व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, मतलब कितने वोवेल्स ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक व्यंजन आता है, व्यंजन मतलब खाने पीने वाला नहीं, मतलब कॉन्सोनेंट आता है, तथा एकदम बाद में एक स्वर आता है। ठीक है, मतलब पहले एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, फिर यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, वोवेल, और उसके जस्ट बाद वोवेल आना चाहिए। ऐसा कह रहे ना कि बोल रहे इसमें से कितने ऐसे स्वर है, मतलब कैसे ऐसे वोवेल है, पहले एकदम एक कॉन्सोनेंट आता है और उसके जस्ट बाद एक क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है। क्लियर? तो गाइस देखो पूरा जब पढ़ोगे पढ़ोगे तो अपने को यहाँ पे मिलेगा एक वोवेल है जिसके पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में क्या है, तो सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, एक ऐसा वोवेल है यहाँ पे जिसके पहले वोवेल है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट है, तो इसको तो काउंट नहीं कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन यू को देखोगे तो यू से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है और आई एक वोवेल है, तो यू तो चलो हो गया, अपने को एक मिल गया। फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे, इधर कहाँ है, कहाँ है, इधर बीच में कोई नहीं है भाई। ओ के पहले टी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो इसको नहीं लेंगे। बट ई के पहले क्या है ना, ई के पहले देखो क्या है, ई के पहले क्या है, के, तो के क्या है, कॉन्सोनेंट है और एक वोवेल है, तो फिर ई भी हो गया, तो यू और ई जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही दो मिल रहे हैं, बाकी कोई कहाँ मिल रहा है, अपने को नहीं मिल रहा है। तो बस दो लोग ऐसे हैं इसके अंदर जिसको हम आंसर कर सकते थे इजिली। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ये कह रहा है बताओ, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बताओ इसमें से कौन से साइन को इसके जगह पे रख दिया जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने पे एग्जैक्टली अपने को जीरो के बराबर आ जाए। तो दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, पहले 36 ना पहले वाले को भर के देखो, माइनस को प्लस कर दो और डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6 और प्लस को माइनस कर दो, अभी भी करके देख लो आ रहा है क्या अपना, ये हो गया एक 36 प्लस में 6 ये कितना हो जाएगा 42 माइनस 30 जीरो नहीं आएगा। इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4 सबको फिल कर करके देखो, मैं डायरेक्टली अब आपको आंसर बताता हूँ, वीडियो को रोक लो आप। अब फोर्थ नंबर को फिल करके देखो 36, अब माइनस को डिवाइड बना दो 6 हो जाएगा और डिवाइड को माइनस बना दो, बाकी एज इट इज सबको छोड़ दो, देख लेना ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ये 6 बार में कट जाएंगे। और जाओ ये जो इसको माइनस बनाना था ना अपने, तो माइनस में थोड़े बड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, ये बहुत ही गंदा तरीका से हो गया, ये 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 36 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 30 प्लस 30 बराबर जीरो, तो वैसे ही कट के ही जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल भी सही है। आगे देखो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8, 11, 12, 7, 13, 15 इतना इतना इतना, तो कैसे होगा, तो किस तरीके से ये बांट के जगह पे क्या आएगा। क्लियर? तो जरा वीडियो को रोक के आप इस चीज को देख लो, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। ये 8 × 7 कितना होता है ये बताओ, 8 × 7 कितना होता है, 56 होता है। अब 56 में देखो क्या हमने कुछ जोड़ा घटाया मल्टीप्लाई किया, 224 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 224 आ जाएगा, तो 11 × 13 कर लो। ठीक है, करके देख लो ये हो जाएगा 13 और 13 मतलब 143 हो जाएगा ना अपना, तो 143 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो फिर आ जाएगा आपका 572। उस तरीके से 12 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 × 25 = 60 और ये 12 कर लो तो 180 हो जाएगा। मतलब अपने को मल्टीप्लाई करके देख लो ना, मल्टीप्लाई तो आपका कर सकते हो, फिर इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 18 × 4 = 72 हो जाता है और 1 × 0 = 720। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मतलब दो लोगों को मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तीसरा मिल जाएगा, बस 12, 15 को मल्टीप्लाई करो जो वैल्यू आता है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑप्शंस वाले में से एक चीज मिल जाएगा आपको। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, महिलाएं रिश्तेदार और अंकल, इसका एक परफेक्ट वेन डायग्राम क्या होगा। चलो पीछे से आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं, मान लो इसको महिलाएं मान लेते हैं, लाइक विमेन्स मान लेते हैं या फिर फीमेल मान लेते हैं, इनको रिलेटिव मान लेते हैं या फिर इनको अंकल। तो गाइस ये जो अंकल है कभी फीमेल हो सकते हैं नहीं ना, तो ये अंकल और फीमेल मैच कर रहे हैं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसमें भी देखो अंकल और फीमेल एक दूसरे के अंदर घुस गए, तो अंकल फीमेल अगर हो जाएंगे तो फिर अपनी मतलब जेंडर जो है खतरे में आ जाएगी, हमारी जेंडर, हम सभी मेल जो है खतरे में आ जाएंगे। फिर देखो बी में अगर देख लेते हैं हम लोग कि अगर इस वाले को रिलेटिव मान लेते हैं, इस वाले को फीमेल मान लेते हैं और इस वाले को अंकल मान लेते हैं, तो क्या कुछ अंकल रिलेटिव होते हैं और कुछ अंकल रिलेटिव नहीं होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, अंकल तो सब रिलेटिव ही है, अपने जितने भी अंकल है वो रिलेटिव होते हैं। अब अंकल बोलने का मतलब चाचा, अपने चाचा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप मतलब जबरदस्ती का जुड़वा तुड़वा चाचा नहीं, अपने चाचा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने जितने भी अंकल होंगे वो रिलेटिव होंगे। तो सबसे पहले देखो ये चीज कर लो, ये बड़ा सर्कल जो है रिलेटिव का है, बीच वाला अंकल, अब जितने भी अंकल हैं क्या है वो सभी रिलेटिव है। ठीक है, अब कुछ महिलाएं जो है फीमेल वो रिलेटिव हो सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती हैं, इसलिए ए सही जाता है, बी मत करना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है।
कुछ ओवर स्मार्ट बन के बी आंसर करेंगे और मेरे को गलत साबित करेंगे, ठीक है, तो फिर गलत हो जाओगे। फिर कह रहे हैं, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल का अगर आवास स्थान मिला तथा वो नीचे से वो 47th पोजिशन पा जाता है तो विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं है, मतलब तीन विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और एक विद्यार्थी फेल हो जाता है, तो टोटल कितने स्टूडेंट है। देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि इस लाइन में जो है वो कितने हैं, ऊपर से काउंट करते हैं, क्या नाम है इसका, राहुल का, तो ये 11 नंबर पे आता है और नीचे से काउंट करते हैं तो ये 47 पे आता है, मतलब टोटल कितने हो गए, 11 + 47 मतलब 58 है। अब 58 में से 1 घटा लो 57, 1 क्यों घटा लोगे गाइस, इसलिए घटा लो क्योंकि हमने राहुल को दो बार काउंट किया, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो एक घटा लिया तो 57। अब तीन लोग आए ही नहीं है तो तीन लोग और जोड़ दो और एक फेल हो गया, तो जो परीक्षा में अब टोटल कितने लोग थे, 61 लोग थे ना, अब टोटल 61 स्टूडेंट थे, ठीक है, विद्यार्थी असफल, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी, 61। आगे देखो 20 नंबर है, बोल रहा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, अब काउंट करो, देखो सबसे पहले एक बड़का ट्राइंगल लेकर बैठा हुआ है तो एक लिख लो, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो प्लस में 7 कर लो, मतलब 1 + 7 कर लो और एक काउंट करो यहां से, 1 अभी काउंट करो, 2, ठीक है, और कहां से काउंट कर सकते हो आप लोग, तो 2 पहले यहां से कर लो, 1, 7 और 2 तो 10 तो मिल गया, और एक ट्रायंगल अपने को खोज लेना है, तो ये वाला शायद हमने काउंट किया था कि नहीं पता नहीं, ये हो गया, ठीक है, और इसके अलावा अपने को ये हो गया, 2 हो गया और एक ट्रायंगल यहां से अपने को निकाल लेना है, तब 10 या फिर 11 ट्रायंगल्स आएंगे यहां पे। देखो एक और ट्रायंगल आ गया अपना यहां पे छुपा हुआ था, देखो देखो यहां पे ई वाला जो ट्रायंगल हुआ है, ई वाला ट्रायंगल हुआ है, ठीक है, टोटल मिला के एक और मिल गया, तो 7, 3, 10 और एक 11 ट्रायंगल, अब इसके अलावा एक भी ट्रायंगल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, टोटल मिला के यहाँ पे 11 ट्रायंगल्स हैं, आप देख सकते हो इजीली यहाँ से 11 ट्रायंगल्स हमने खोज लिए इसमें से। आगे देखो फिर कह रहा है 4:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल बताओ, तो वीडियो को रोक के आप दिमाग लगाओ, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 60 × आवर्स प्लस में माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस क्या बताया था, 30 × मिनट, ये वाला फिर देखो मैं यहाँ पे 11 × मिनट, मैंने 30 पढ़ लिया, 30 दिमाग में आ गया, 11 × मिनट / 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 60 × आवर्स कितना है, 4:00 में कितना है, 30। अब इनको 2 से भले माइनस में आंसर है बट प्लस में, क्योंकि डिग्री माइनस में नहीं होता, तो 624 मतलब 60 × 4 करोगे 24 और ये कितना हो जाएगा, 330/2 तो कुल मिला के हो जाएंगे 90, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 45 डिग्री। आप कहोगे सर यहाँ पे तो माइनस में वैल्यू आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिग्री कभी माइनस में होता है नहीं ना, इसलिए माइनस में आ रहा है, फिर भी उसको प्लस में ही मानना अपने को, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 22 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक लड़की अपने घर से चलती है, वो पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है और फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ जाती है, तो किस दिशा में जा रही है, तो एक ग्राफ बनाओ। फिर क्या है, क्या पहले क्या कह रहा है, वो उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम ऊपर की तरफ ऐसे तिरछा होता है, तो उसको तिरछा भेज दो इतना 30 मीटर। फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ये होता है, तो यहीं से वो इधर जाएगी ना कितना, 30 मीटर। फिर वह दक्षिण पूर्व देखो यहाँ पे होता है, तो जस्ट इसके पैरेलल आ जाएगी वो 30 मीटर। फिर यहाँ पे कह रहा है अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ेगी, तो घर देखो इधर है, तो इधर मुड़ी, तो इधर मुड़ी, तो इधर कौन सा डायरेक्शन होता है गाइस, नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा ना यहाँ पे, चलो ठीक है, फिर तो करेक्ट आंसर कर लेना अपना उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आगे देखो सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए बोलता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, पहले समझो वो जो सुरेश है, सुरेश क्या कह रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता का, मतलब सुरेश की माता का पति, ठीक है, अब इसके माता का पति की माता, अब इसकी माता का पुत्र, अब इसकी माता का पुत्र कौन हो गया, ये इंसान हो गया, तब ये इंसान कौन हो जाएगा, उस इंसान सुरेश का उस आदमी से, अब इस आदमी से क्या लगेगा, इस आदमी से सुरेश उसका पुत्र लग गया ना, सन लग गया, चलो क्लियर है। 24th नंबर क्वेश्चन को कह रहा है 17 @1 का एट मतलब 1 का वैल्यू 8 है, 9 @1 का वैल्यू 4 है, 6 @4 का वैल्यू 1 है, तो बताओ 8 @2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखो क्या करेंगे, कांड कर देते हैं हम लोग, 17 में से 1 घटा लो कितना हो जाएगा 16, 16 का आधा कितना होता है 8 आ गया ना, दूसरे वाले में वही कांड करो, 9 में से 1 घटा दो 8 और 8 का आधा क्या होता है 4, इसमें 6 में से 4 घटा लो 2 होगा, 2 का आधा 1 हो जाता है, उस तरीके से 8 में से 2 घटा लो 6 आ गया, 6 का आधा 3 हो जाएगा, क्लियर। चलो मैं बात जानबूझ के बात मतलब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो जो है बड़ा ना बने, अब आप क्या करोगे वीडियो को रोकोगे, रोक रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, अब मेरी स्पीड से कोशिश ना करना कि हम पकड़ते रहेंगे इसको। अब देखो कह रहा है ऑल आर काइंडस
ऑल आर लाइक अस इज कोडेड एज C4H2। ये मतलब कुछ अर्थ नहीं है, बस ऐसे लिख दिया गया। ऑल आर काइंडस्ट, सॉरी ये काइंड मैं कहां से पढ़ रहा हूँ गाइस, और ऑल आर लाइक अस को हम लोग लिखते हैं C4H2, ठीक है। टीच अस लेसन नाइसली को लिखते हैं POMA4A। तो लेसन लाइक ऑल ह्यूमंस को क्या लिखते हैं, ही रे गू सी, ठीक है। तो कह रहे ना, बताओ आर का मतलब क्या होगा। सबसे पहले आर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर एक के अंदर है, दिख रहा है। अब ऑप्शन नंबर एक के अंदर है, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ ताकि समझाने में आपको आसान होगा। ओके रुको रुको रुको, ठीक है। देखो अब आर यहाँ पे है, ठीक है। आर को क्या लिखा जाता है पता नहीं अपने को। अब देखो आर के अलावा और क्या है, इसके अंदर ऑल है, इसके अंदर भी ऑल है, इसके अंदर लाइक है, इसके अंदर भी लाइक है, ठीक है। तो इसके अंदर का ही, इसके अंदर का ही कटा लो। इसके अंदर का और क्या है भाई, सी ऐसा ही कटा लो। क्यों, या तो ये ऑल या फिर लाइक का कुछ एक वैल्यू होगा इन दोनों में से किसी एक का, सी और ही जो है। तो हमको समझ में आ गया सी और ही में से दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी और ही को हटा लो। अब देखो ऑल और क्या बन गया था गाइस, यहाँ पे लाइक को हटा लो। अब आर और अस में से देखो, अस है इसके अंदर और अस है दूसरे वाले में। अब देखो दूसरे वाले में भी फो छुपा हुआ है, इसमें भी फो छुपा है, तो फो फो कट गया, बचा गया इसके अंदर खाली टू बच गया, तो टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक था गाइस, कुछ करना नहीं था, अपने को देख लेना था इसमें से कौन सा हटाएंगे तो टू मिल जाएगा। आगे देख लो 26 कह रहा है कि बताओ नॉन वर्बल के क्वेश्चन में से देखना, नॉन वर्बल यहाँ पे चार या फिर पांच क्वेश्चन, जो भी है पांच क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक आपके शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। देख लेना ये जो चीज है, ये जो सर्कल है नीचे, मतलब ये दो वाला क्या है स्टैंड टाइप का भी उल्टा भी है। अब देखो इसी वाले को ऊपर ले जाके डबल बना दिया, सर्कल को नीचे लाके सिंगल बना दिया। ये जो सी है उसको यहाँ ले आएंगे, और ये जो मतलब सिंगल है तो डबल बना देंगे सी को, सी को नीचे सिंगल, और ये जो नीचे में डबल है उसको ले जाके सिंगल बना देंगे। तो इसे कहाँ पे बन रहा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर बन रहा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। आगे देखो 27 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, 27 क्वेश्चन में कह रहा है ना कि देखो ये जो फिगर है इसको ऐसे बनाते तो इसको कैसे बनाएंगे। अब देखो ये जो सर्कल है ना, ये जो लेफ्ट राइट साइड में है उसको हम लोग पहले बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और जो बीच में है इसको ऊपर ले गए, जो सबसे लेफ्ट में है उसको सबसे नीचे ले आए। जस्ट लाइक इसमें वही काम करेंगे, जो राइट में ट्रायंगल सबसे ऊपर ले जाओ, जो बीच में सर्कल सर्कल ला दो, जो लेफ्ट में है उसको क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे। तो ऐसा फोटो कहाँ दिख रहा है जनाब आपको, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब हम लोग ऐसे बना रहे तो इसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स करो, मतलब उल्टा बना दो, जो ऊपर था इसको नीचे की साइड कर दो, और बीच का लाइन को जस्ट छोड़ दो, और ये जो बीच में लाइन के बाद ये दो नमूने थे ना, इनको हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से कर देंगे, पैरेलल कर देंगे इधर से नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे थे ना, इसको राइट से लेफ्ट कर दो, उसको भी ऐसे करो बगल वाले को, इसको करोगे तो ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। और जो दो नमूने इसे खड़े हैं ना, इनको इस तरीके से कर दो, ठीक है। तो इसे कहाँ पे है भाई, ए में है, ठीक है। और कुछ लोग सी कहेंगे, सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये वाला जो है ना, ये वाला जो लाइन था अपने को लेफ्ट में था तो लेफ्ट में ही रखना था, क्लियर। आगे देख लो, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 29, बोल रहा है ये जो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो इसका कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो टी या टाइप का छुपा हुआ है वो आगे की तरफ गया तो यहाँ पे आया, तो कितने पोजीशन चेंज किया, एक दो तीन, तीसरे पे पहुंचा आगे की तरफ। तो इस वाले को भी नुकीले वाले पदार्थ को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, एक दो तीन, मतलब यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए में बन रहा है, सी में बन रहा है, इन दोनों में बन रहा है, तो अब या तो ए होगा या तो सी होगा, कौन सा होगा देख लो। इसके अलावा एक चीज और देख लो, ये जो पीछे में ये जो लॉजिक लगा है ना, ये वाला प्लेन की तरफ, तो एक दो दूसरे वाले पोजीशन पे आगे आगे की तरफ, तो ये कहाँ जाएगा, एक दो यहाँ पे जस्ट उसके नीचे आ जाएगा, तो नीचे में ऑप्शन नंबर सी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी में दिया था, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर किए थे, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के ऐड किया कि एग्जाम में आ गया तो कहीं गलत मत कर देना, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें से डिफरेंट बताओ, कौन सा सबसे डिफरेंट है गाइस, तो डिफरेंट है इसके अंदर ए। क्यों, आप लोग कह रहे थे सर ऐसे वैसे वैसे समझ में नहीं आया, मतलब बहुत सारे नया नया लॉजिक दे रहे थे, कुछ लोग सही भी करते हैं। देखो ये जो ट्रायंगल है इसका एक प्लेन भाग के ऊपर नुकीला चीज गढ़ाया गया है, स्क्वायर के जो सबसे प्लेन भाग के मतलब भुजा के ऊपर नुकीला गढ़ाया गया, इसके भी प्लेन भाग के, इसके भी प्लेन भाग के, बट इसके नुकीले वाले भाग के ऊपर ही हमने कील गाड़ दिया या फिर लॉलीपॉप गाड़ दिया, जो भी गाड़ दिया, ठीक है। तो गाइज ए नंबर जो है सही है यहाँ पे, सबसे डिफरेंट है। चलो कमेंट करके बताओ 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए, तो कमेंट सेक्शन में बताओगे। साथ ही में एक चीज फिर से मैं आपको याद दिलवा दूं कि जो आसाम राइफल का जो स्टडी गाइड है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो आप जाके यहाँ से बाय कर सकते हो।
साथी मैं फिर से एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। और गाइस कल जो जो भी बच्चे एग्जाम दे के आएंगे ना, तो जस्ट एग्जाम देने के बाद ही अपना जो है क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर देना 7279047787, ठीक है 7279047787 पे। हमारे एडमिन्स जो है, हमारे लोग क्वेश्चन इस पे मतलब कलेक्ट करेंगे, मैं इस पे एक्टिव नहीं रहूंगा, वो मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम 24 को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जिसका भी है क्वेश्चन सेंड करना जरूर से जरूर, ठीक है, ताकि यूट्यूब पे उसको रिव्यू कराया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक लिए बाय।